नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों इस वीडियो में और एक मेडिकल भर्ती के बारे में आपको सूचना लेकर आया हूं। ये भर्ती निकली है एम्स में, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होगा। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में और देखते रहिए इस भर्ती के नियम और शर्तों। तो अपन बात करते हैं एम्स में निकली भर्ती के बारे में। देखिए, यहाँ पदों की संख्या के बारे में बात करें तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी कम भी नहीं है, यानी सफिशियंट है, क्योंकि इस फील्ड में मिलने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती है। एम्स में ये जो पद हैं वो हैं कनिष्ठ लिपिक के, वरिष्ठ लिपिक के, और एक पद और है जिस पर आप तैयारी कर सकते हैं, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। योग्यताएं बहुत ही नॉमिनल है, ज़्यादा नहीं है। अगर अपन बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो 12th पास होना जरूरी है, लेकिन उसको टाइपिंग का ज्ञान आना जरूरी है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में वो दक्ष होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास किया होना चाहिए। यहाँ डोमिसिल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी स्टेट के हैं आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन वरिष्ठ लिपिक की, यानी कि UDC की, तो इसमें जो डिग्री है वो आपको स्नातक डिग्री होनी जरूरी है और वही आपको टाइपिंग आनी जरूरी है और कंप्यूटर में दक्षता होना जरूरी है। यहाँ भी स्टेट या डोमिसिल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बस आपकी योग्यताएं कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं कनिष्ठ लिपिक की, तो कनिष्ठ लिपिक के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से 12th पास होने चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट होने चाहिए, और आपको जो है कंप्यूटर की दक्षता के साथ साथ सामान्य ज्ञान की जानकारी भी होना जरूरी है, यानी कि यहाँ भी अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डोमिसिल से हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप किसी भी स्टेट से आवेदन करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पदों की संख्या कनिष्ठ लिपिक की बात करें तो बहुत अच्छी है, 32 यहाँ कुल पदों की संख्या है, जो अपने आप में ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एम्स जोधपुर की, यानी राजस्थान में जो एम्स जोधपुर है वहां ये भर्तियां निकली हुई हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप संबंधित वेबसाइट पर इसका डिटेल देख लें, जिसका लिंक मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, फॉर्म भरने का तरीका क्या है, फीस कितनी है, और बाकी अदर फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो वो भी वहां मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप मुझसे थ्रू कमेंट पूछ सकते हैं, मैं इसमें आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें, वैकेंसीज के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।